हो बढ़िया। कैसे कटे मेरे बिना दिन? बहुत मेरे बिना बुरे, पूछ ले कैसे कटा? बहुत बुरे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। गाइस आज का ब्लॉग जो है ना, मैंने दोपहर से स्टार्ट किया है, ना कि सुबह ना कि शाम। 12:30 बजे ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया और ई रिक्शे में मैं जा रहा हूँ यहाँ से डायरेक्टली बस स्टेशन जा रहे हैं गाइस, क्योंकि मेरे को यहाँ से जाना है फिरोजाबाद रोशनी के पास, क्योंकि और दीदी के भी घर जाना है मेरे को, क्योंकि बहुत दिन हो गए रोशनी भी ब्लॉग में नहीं आई, आप लोगों ने देखा भी होगा। बट थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था तो वो दीदी के ही घर पे थी, तो यहाँ से चल रहे डायरेक्टली फिरोजाबाद चल रहे। सुबह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाया इसलिए मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं करी थी, तो फटाफट में जल्दी से रेडी हुआ, मैंने कहा ई रिक्शे से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। यहाँ से चलेंगे डायरेक्टली पहले फरकाबाद, मैं यहाँ से बस स्टेशन जा रहा हूँ, पहले फरकाबाद की बस लेंगे, फिर वहाँ से बस स्टेशन से चलेंगे रेलवे स्टेशन, फिर अपनी ट्रेन है 4:15 बजे है, 4 बजे से लेके फिर 8 बजे मेरे को आराम से 8:30 बजे दीदी के घर पहुँच जाऊँगा फिरोजाबाद। तो आज के ब्लॉग में आपको सफ़र भी देखने को मिलेगा, बाकी फिरोजाबाद पहुँच के पता चलेगा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और पापा की भी तबीयत काफ़ी रिकवर है, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो पापा को भी मैं दिखा लाया, तो क्योंकि हर काम जरूरी है, सारे काम जरूरी है, अब अकेले ही है तो निपटाना भी खुद है। तो चलो बस स्टेशन पहुंच के मिलते हैं आपसे। फरकाबाद भैया, फरकाबाद बैठ गए भैया, और किसी भैया को मैंने दिया। फाइनली गाइस फरकाबाद तो पहुंच गए, और फरकाबाद के बस स्टेशन जैसे पहुंचे ना तो मेरे को पपीता दिखा, पपाया खा रहे हैं। अब यहां से मेरे को रेलवे स्टेशन जाना है, अभी ट्रेन का टाइम है, 45 मिनट टाइम है अभी, कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। पहुंच गए फरकाबाद, फरकाबाद पहुंच गए गाइस स्टेशन, और टिकट भी ले लिया। सबसे अच्छी बात यह है ये ट्रेन की यहीं से बन के छूटती है, तो कोई टेंशन नहीं, सीट मिल जाएगी बढ़िया। और ये देखो खड़ी है ट्रेन, हमेशा की तरह मुझे मिल गई मेरी ऊपर वाली सीट। अब मैं आराम से सो जाऊंगा क्योंकि दिन भर की थकान भी दूर करनी है, और आराम से पहुंच जाएंगे फिरोजाबाद। तो चलो टाटा बाय, मैं आपको सोने के बाद मिलता हूं। फाइनली पहुंच गए फिरोजाबाद के स्टेशन, दिन से रात कब हो गया पता ही नहीं चला, बट ट्रेन में सीट मिल गई थी तो काफी सफर काफी अच्छा रहा, मतलब रेस्ट भी हो गया। सो भी गया था मैं तो गाइस 2-2.5 घंटे। तो चलो फटाफट ऑटो लेते हैं और पहुंचते हैं घर। भूख बहुत भयंकर वाली लगी है मेरे को, बहुत तगड़ी वाली भूख।
गाइस फाइनली रिक्शा तो छोड़ दिया और पहुंच गए दीदी के घर। बहुत सन्नाटा है यहाँ पे, देखो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो चलो चलते हैं घर पे। कोई है भी? आयुष, तो ये लोग कितना इंतजार कर रहे हैं गाइस। अरे आगे आगे आराम से। ये क्या है? ये तो कच्ची में घूम रहा है। ये क्या चड्डी में घूम रहे हो? भाग गया, शर्मा गया। अरे मेरे को तो ले लो। ये लोग इतने हैप्पी हो गए कि मेरे को लिया ही नहीं। खुश हो गए मेरे को देख के ये लोग। और चलते हैं, अब दीदी से भी मिल लेते हैं। रोशनी जी तो अंदर बैठी है। अरे दीदी कैसे हो? दीदी रोटी बना रही है गाइस। दीदी भाई से तो मिल लो। अब चलते हैं गाइस रोशनी से मिलने के लिए। और ये रोशनी जी मेरा वेट कर रही हैं। ये बैठी, ये कैसे बैठी हो? कैसी हो? बढ़िया। कैसे कटे मेरे बिने दिन? मेरे बिना पूछ ले कैसे कटे। बहुत बुरे। ठीक, आ जा बंसु। ये देखो गाइस, ये तो नेकर में ही घूम रहा। आ जाओ। चलो भाई सब फिलहाल फ्रेश ब्रेश हो लेते हैं, फिर फ्रेश ब्रेश होने के बाद मिलते हैं। और मेरे को ठीक है, व्लॉग बना रही हूँ आपका। मेरे को गाइस पूरे, मैं सुबह निकला था 12:30-1 बजे दोपहर में मतलब, और इवनिंग में पहुंचा हूँ। और यहाँ पे कितने दिन बाद आए? आई थिंक मेरे को 1.5-2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए ना? 2 महीने हो गए। हाँ। तो आप लोगों ने देखा भी होगा व्लॉग में, रोशनी जी आपको देखने को नहीं मिल रही थी। वो यही रीजन था एक्चुअली। मैं रोशनी जी का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो इसी वजह से वो यहीं पे है। ट्रीटमेंट यहीं से चल रहा है इनका, तो इसीलिए मैं लेके भी नहीं आया। चलो फ्रेश तो हो लिया। अरे देखो ये क्यूट सा बच्चा, अचार लेके खड़ा है। अचार, अचार का डब्बा गाइस लेके खड़ा है। देखो अचार पूरा खा जाओगे। आयुष भी खाना खा रहा है इधर। अब हम लोग भी अपना खाना खाएंगे गाइस। मैं भी खाना खा रही हूँ। रोशनी जी तो अपना खाना चालू कर दिए गाइस, मैं भी खाना चालू कर रहा हूँ फटाफट, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी है यार। ठीक है, आप भी आ जाओ खाने में, देखो क्या है। गाइस अपना आ गया डिनर, दाल रोटी और हरी मिर्च। सिंपल सा डिनर करेंगे, दाल रोटी और हरी मिर्च। और ये देखो आयुष भी खा रहा, वंश मेरे साथ खाएगा। नेकर में ही बैठे हो? लोवर कहाँ गया? मैं जब से आया ना ये नेकर में ही घूम रहा गाइस। इसकी नेकर पे गर्मी लगती है इसको। हाँ सही कह, रोशनी सही कह रही है। चलो गाइस फिलहाल अपना डिनर कर लेते हैं। और गाइस देखो खाना पीना हो गया। अब देखो खाना हजम हो रहा है इन लोग का, दोनों भाई का। इन लोगों का गाइस जब भी देखो ना, दोनों भाई लड़ाई करते है आर्यन अरमान की तरह। ये देखो पीछे महाभारत चल रही है। ए बस करो, अभी दीदी आएगी। अभी दीदी आएगी ना तो इन लोग को दोनों को फोड़ेंगी। वंस यहाँ आओ। ये क्या हुआ? ये करो। आपका टीथ कहाँ गया? टूट गया। चुहा लेके भाग गया, बताओ। मिला नहीं। और देखो आयुष भी देखो कैसे लेटा हुआ है। लड़ो मत। ए बहुत देर से नाच रहा है दोस्तों ये। गाइस फाइनली अपना खाना पीना तो हो गया, तो फिलहाल अब चलते अपने मिल्क पीने, है ना। अब मिल्क गरम करेंगे गाइस, मिल्क पियेंगे। मैं तो सुबह से लिटरली गाइस इतना थका हुआ हूँ कि आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरी आंखें कैसे खुल रही है ये मैं ही जानता हूँ। और वंश देखो ये बोला मामा मेरे को भी दूध पीना है, बट इसका टिप चला गया है देखो, है ना वंश। हाँ। चलो फटाफट दूध गर्म करते हैं, फिर दूध पीते हैं हम लोग, है ना। मैं और मामा दूध पियेंगे। देखो यार ये आयुष भी चढ़ा है, शरीफ बच्चा, बहुत इनके शरीफ कहते हैं। वंशु अपने बारे में कुछ बताओ, अपने बारे में। बहुत अच्छा बच्चा हूँ, ये बहुत गंदा बच्चा है। अपने खुद की तारीफ कर रहा है गाइस ये। आप कैसे बच्चे हो? बहुत अच्छे। अच्छा अपने बारे में बताओ, किस क्लास में हो? यूकेजी में। आयुष आप? फर्स्ट में। अच्छा क्या बनना चाहते हो बड़े होके, बताओ। क्रिकेटर। क्रिकेटर? आयुष साहब? पुलिस में जाना चाहते हो? चलो ठीक है, दोनों बच्चों के भाई एकदम अच्छे से, ये लोग जो चाहते हैं तो वो बन जाए भाई।
वंस अपना क्रिकेटर बनेगा, है ना? हाँ। अच्छा क्रिकेट में क्या पसंद है ये बताओ, मतलब बॉलिंग करना, बैटिंग करना, फील्डिंग करना, कीपिंग करना, क्या, या बैटिंग बॉलिंग दोनों ऑलराउंडर बताओ? बैटिंग, सिर्फ बैटिंग, फील्डिंग करना नहीं? कैच लेना अच्छा लगता है। हाँ वो तो सीखनी पड़ेगी फील्डिंग, भाई बैटिंग करोगे तो वो भी फील्डिंग भी सीखनी पड़ेगी, है ना? हाँ। चलो ठीक, बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए दोनों भाई को, ठीक है? थैंक यू। आज का व्लॉग गाइस काफी हेक्टिक हो गया मेरे लिए, बिकॉज आज सफर में ही पूरा दिन निकल गया। हरदोई से यहाँ पे आने में करीबन 8 से 9 घंटे लग जाते हैं, बल्कि आज मेरी ट्रेन भी लेट आई 1.5 से 2 घंटे, वरना जल्दी आ जाते थोड़ा। चलो गाइस फाइनली अपना मिल्क तो गर्म कर लिया, मिल्क पीते हैं बढ़िया। गाइस फिलहाल अब अपना सोने का वक्त हो गया और नींद भी मेरे को बहुत जोर से आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे आंखों में नींद भरी हुई है, बिकॉज आज पूरे दिन मेरा सफर में निकल गया। हरदोई से 40-45 किलोमीटर आने के बाद जो सफर खराब था ना, ट्रेन से तो मेरा सफर बहुत अच्छा रहा, बट बस से जो हालत मेरी खराब हुई वो मैं ही जानता हूँ गाइस। तो फिलहाल आज का व्लॉग जो भी हो यहीं पे मैं एंड करूंगा, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा तो नहीं लगा होगा बट हाँ जो भी था आज का व्लॉग, जो मेरा पूरा दिन कैसे कटा तो वो शेयर किया आप लोग के साथ, उम्मीद करता हूँ गाइस अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आपको कंटिन्यू मिलते रहे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट कोई मस्त व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, बाय।